हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और आज इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखने वाले हैं। दोस्तों, इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि रिजल्ट आपको कैसे देखना है, तो मैं सारा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स मैं डालता हूँ अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं CGVAPM के ऑफिशियल साइट में हूँ। यहाँ साइड में आप जब नीचे जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको नोटिस बोर्ड का दिख रहा है, इसमें आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। रिजल्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो है दिखा है लोक शिक्षण संचालक के अंतर्गत सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो रिजल्ट है और फाइनल आंसर दोनों के दोनों दे दिया गया है। रिजल्ट में क्लिक करना है आपको। रिजल्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों एक ऐसा आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अपने ज़िले में क्लिक करना है। जैसे कि मैं बिलासपुर ज़िले से हूँ तो मैं बिलासपुर को क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, बिलासपुर को क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है जो आपका एडमिट कार्ड में था। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो लिंक है रिजल्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके भी अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।